नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी एस भोसले, एमडी होम्योपैथ, डायरेक्टर ऑफ आशा होम्योपैथी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि हेल्थ एनर्जी बैलेंस एनर्जी है, जो एनर्जी मेंटेनेंस में है, अच्छा काम कर रही है, वो एनर्जी किसी ना किसी कारण की वजह से वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है डिजीज एनर्जी में। डिजीज चाहे कोई भी हो, लेकिन डिजीज एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। ये डिजीज एनर्जी में कन्वर्ट क्यों हुई है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक क्या था कि साइकोलॉजिकल एनर्जी और फिजियोलॉजिकल एनर्जी, ये दोनों बैलेंस में काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल एनर्जी और फिजियोलॉजिकल एनर्जी में इनबैलेंस हुआ है, डिस्टर्बेंस हुआ है, इसलिए बॉडी में तीसरा पी आता है और उसको कहते हैं पैथोलॉजिकल प्रोसेस। तो पहला पी फिजियोलॉजी, दूसरा पी साइकोलॉजी और तीसरा पी अभी पैथोलॉजी भी आ गया है। और पैथोलॉजिकल एनर्जी जो है ये बॉडी में डिजीज फॉर्म में आ रही है। जैसे कि कोई भी डिजीज हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, बीमारी एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, बीमारी सपोज डायबिटीज है। डायबिटीज जब पेशेंट लेके आता है हमारे पास एज ए डॉक्टर के सामने, तो क्या लेके आता है, डॉक्टर हमारी शुगर बढ़ गई है। शुगर कितनी है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, शुगर बढ़ गई है। ये पेपर पे लिखा है ना, शुगर बढ़ गई है, लेकिन इस पेपर के पीछे क्या है, पेपर के पीछे उसके साइंस एंड सिम्टम्स है। चाहे वीकनेस हो, चाहे थर्स्टी बहुत है, चाहे यूरिन बहुत आई है, बुखार है, कुछ भी सिम्टम हो सकते हैं। ये सिम्टम्स है ना, जैसे पेपर और ये सिम्टम्स हर एक इंसान का सेम रहता है, रिपोर्ट में अलग अलग हो सकता है, दैट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट डायबिटीज। लेकिन हमें जानना यह है कि ये जो एनर्जी है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज का रिपोर्ट जो एबनॉर्मल आया है, सिम्टम्स एंड साइंस आई है, लेकिन उसके पीछे कौन है, उसके पीछे है पैंक्रिया। पैंक्रिया यानी जो ऑर्गन बैठा है यहाँ पे, वो पैंक्रिया डिस्टर्ब हुआ है, डिस्टॉर्टेड हुआ है या डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसको देखना पड़ेगा। तो ये पैंक्रिया से चालू होती है पैथोलॉजी। पैंक्रिया पहले डिस्टर्ब होते हैं, फिर साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद शुगर का रिपोर्ट आता है। हमें शुगर का रिपोर्ट सिर्फ ठीक नहीं करना है, हमें इस प्रोसेस को ठीक करना है। इसके आगे भी पैंक्रिया भी डिस्टर्ब क्यों हुआ है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैंक्रिया के पीछे भी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जानने के लिए जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो प्रोसेस नहीं जानते, तब तक डायबिटीज पूरा ठीक नहीं होता। पैंक्रिया को ऐसा कौन सा इवेंट हुआ है इस एनवायरमेंट में, जो इवेंट इस इंसान के बॉडी को, माइंड को और इंटेलेक्ट को डिस्टर्ब कर दिया है। जब जब ये इंटेलेक्ट, माइंड एंड बॉडी को डिस्टर्ब करता है, तभी ये पैथोलॉजी पैंक्रिया पे आ सकती है और पैंक्रिया शुगर निकाल सकता है। तो ये पूरे प्रोसेस को ठीक करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि हमने पेशेंट को जड़ से ठीक कर दिया। ये पूरे प्रोसेस जानने के लिए, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, ये प्रोसेस जानने के लिए वन डे होम्योपैथिक सेमिनार है, नेशनल सेमिनार है, जयसिंहपुर में, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर में, सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक, 21 अप्रैल 2024 को है, जिसमें मेरा किताब भी लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है द प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग मैन इन द मायाज्म। तो मैं हर एक मेरे होमपेज डॉक्टर को, स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि इस सेमिनार का पार्ट बने और इस प्रोसेस को जान लें। तब तक के लिए नमस्कार।